ये देखो भाइयों यहाँ पे चढ़ाई है, बड़े ही प्यार से लेके चढ़ गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। पीछे 18 क्विंटल गन्ने भरे हुए हैं इस बुग्गी में, और 7-19 के जोड़े की बुग्गी है भाइयों, देख लो। सन भाइयों, भाइयों हमारे साथ हैं आज एक बुजुर्ग किसान साथी, जिनसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा और उसके बाद भाइयों इनके पास है ये एक बैल, इसके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार। नमस्कार भाई, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपना परिचय कराएं, अपने नाम पता। ग्राम हमारा काचरौट है। नाम? नाम जगदीश। जगदीश, हाँ। अच्छा ताऊ जी, जैसे मैं आपके पास ये बल्द देख रहा हूँ, ये बैल, तो ये घर का ही है, खरीदा था ये? हमारे घर का ही है भैया, गाय का, अपनी गाय, अपनी गाय का। कुछ इसकी जिन्स निसल के बारे में पता है, कुछ कौन सा जिन्स निसल हम जानते ना? अच्छा, अमेरिकन में है। अमेरिकन में भाई, अमेरिकन में है, देख लो आप। और किसी भाई को इसकी जिन्स निसल के बारे में पता हो तो एक बार जरूर बताना कमेंट करके। और अभी गन्नों की लदी हुई बुग्गी पर चल रहा है इनका ये बैल। अच्छा ताऊ जी, जैसे आजकल ट्रैक्टरों का ज़्यादा प्रचलन है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो और भी ट्रैक्टर खड़े हैं इधर उधर, कभी विचार आया नहीं ऐसा कि ट्रैक्टर खरीदें? ना ना, हमारा विचार नहीं आया ट्रैक्टर का, हमारा तो थोड़ा भैंसा भी है, बर्द भी है। अच्छा, ये दोनों मजबूत है। बहुत बढ़िया भाइयों, बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं, पशु रख रहे हैं, बल्द रख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होगे कुछ समय से ना इनकी बहुत बेकिदरी हुई है, बेकिदरी हो रही है, इधर उधर छुटे डोल रहे हैं, मारे मारे, तो आप लग कोई नहीं छोड़ा अपने। हाँ, अच्छा अच्छा, आपने जो है वो अपने पास रख, बिल्कुल बिल्कुल रखना भी चाहिए। और ये देखो, अगर काम कर रहा है, चारा खा रहा है दो टोकरा, तो कोई दिक्कत थोड़ी ही है? नहीं, हमारा जब काम करना भी छोड़ देगा, हाँ हाँ, हम जब भी अपने को अपने पास रखेंगे, अपने पास ही रखोगे, इतना प्यार करते हो अपने पशुओं से। भाइयों काफी शानदार बात बताई, और सभी किसान ऐसा करें तो क्यों इनकी बेकिदरी होगी? हाँ। भाइयों बहुत ही बढ़िया बात बताई। अच्छा खींच मींच कैसी है ताऊ जी इसकी? बहुत बढ़िया खींच है, ना ऊंची ना नीची, बिल्कुल एक साथ शानदार खींच है। हाँ। कोई झोक गिरने की शिकायत? कोई नहीं, शाम तक यहीं खड़ा रहेगा। नहीं, अच्छा झोक गिरने कोई शिकायत नहीं, ना ही चलने की शिकायत? ना, कोई बच्चा जोड़ के ले जाए तो? कोई भी ले जाओ, सीधा है बड़ा भाइयों, काफी सीधा है। आपको एक बार मैं दिखा दूं, मैं भी बिल्कुल पास में ही हूं, देखो मैं हाथ फेर रहा हूं, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं दे रहा बल्द, बहुत बढ़िया। एक झोटा भी है? एक झोटा भी है भाइयों, एक झोटा है इनके पास और एक ये बल्द है। अच्छा 7-19 की दिखे बुग्गी, 6 की है भाइयों, 7-19 के टायरों की बुग्गी है, इसमें तो काफी वजन झेल जाती होगी ये तो जी, है इसमें तो 20-25 क्विंटल कितना ही भर लो। अच्छा पूरी पर्ची तोल दो यहाँ पे, 18 क्विंटल की। हाँ जी। यहाँ से तो दूर पड़ता होगा आपका गांव, 2-3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जैसे आने जाने में कोई दिक्कत ना देता? कुछ नहीं भाई, वो बता रहे हैं कोई भी दिक्कत नहीं देता। कितनी उम्र माने इसकी अभी? इसकी उम्र है 10 साल। 10 वर्ष। हाँ। तो जवानी तो अभी ढली ली इसकी, जवानी से नीचे आ गया। अच्छा जैसे अपनी जवानी में था जब ये बैल, जब तो और भी ज्यादा, और भी ज्यादा। हाँ। अच्छा खुराक क्या मान्यता हूँ इसकी? खुराक तो यही इंसानी चल रही है, खल की। अच्छा। न्यार बढ़िया खुराक नहीं है, बेकार। हाँ हाँ, बढ़िया खुराक ना, फिर भी काफी बढ़िया बैल है। अच्छा हल वल भी चला ले करो? हल में भी चल जा, हल में भी चल जा, जो दोन में चला ले, अकेले को चला लो। भाइयों बहुत ही शानदार बात बताई किसान भाई ने। और देखो जो भी आजकल क्या है, युवा किसान है या युवा नए किसान है, वो रखना पसंद नहीं कर रहे बैल वगैरह या भैंसे वगैरह, उन्हें ट्रैक्टर ज्यादा पसंद है। ट्रैक्टर सही है, जल्दी काम हो जा, जल्दी काम हो जा, समय की बचत हो जा। फिर भी समय नहीं है उन लोगों के पास, जब भी समय नहीं है भाइयों, ये बता रहे हैं हल और बैल से खेती करें, क्योंकि ट्रैक्टर पे बैठ के आदमी बैठा और चला दिया, पेट आ रहे हैं बाहर को निकल रहे हैं, अगर हल चलाओगे तो 10 किलोमीटर तो वैसे ही घूम जाए आदमी, वैसे ही खेत के चक्कर लग जा, सेहत बढ़िया रहे। आज देखो ताऊ जी की सेहत देख लो, क्या क्या उम्र होगी ताऊ जी आपकी? 65-66 वर्ष होगी, पेट नाम के लिए नहीं है। नहीं जी, पेट का क्या मतलब? हाँ आजकल नए नए लड़के देखो, ये भाई साहब भी खड़े हैं, ये 30-32 साल एज होगी, अब पेट निकलने लगा अभी सही, ट्रैक्टर चला रहे होगे ना भैया, वही तो है। और हल बैल आजकल चलाने भी नहीं आ रहे, नहीं जो आ रहे। नए लड़के हैं उन्हें पता ही ना कैसे चलेगा, उनका नहीं चल रहे, उन्हें तो बस ये है कि लीवर नीचे डाला और अपना चला दिया ट्रैक्टर, आगे तो खेत जुताई हो गई। भाइयों बहुत ही शानदार बात बताई किसान भाई ने, और थोड़ी सी इसकी अभी मैं परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा, यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई सी है, उस पर चला के दिखाऊंगा कैसी खींच है। अच्छा थोड़ा ताऊ जी वहाँ पे चढ़ाई सी जो है ना, वहाँ पे चढ़ेगा जैसे तब दिखाऊंगा इसकी परफॉर्मेंस। ले आओ आप इधर कोई,
भाइयों हमारे साथ ताऊ जी थे और अपने पशुओं से काफ़ी प्रेम करते हैं। और भाइयों चाल भी देख लो, बल्दों की जो चाल होती है वो थोड़ी तेज होती है भैंसों की अपेक्षा। इधर से दिखाऊंगा भाइयों मैं, ले आओ ये देखो भाइयों यहाँ पे चढ़ाई है, बड़े ही प्यार से लेके चढ़ गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। पीछे 18 क्विंटल गन्ने भरे हुए हैं इस बुग्गी में और 7-19 के जोड़े की बुग्गी है भाइयों, देख लो आप। तो भाइयों किसान साथी जुड़े हुए थे, इन्होंने बहुत ही शानदार जानकारी दी अपने बैल के बारे में और भाइयों किसान भाइयों को भी प्रेरित किया कि पशु रखें जिससे कि इनकी कोई हानि ना हो। तो भाइयों आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।